Welcome or welcome back to my channel. This is me Deepshika Srivastav and you are watching Unicorn Divine. So guys, last month से जब से मैंने announce किया था कि next month काफी interesting होने वाली है, surprise से भरी हुई, बहुत सारी videos line up हैं, plus giveaway भी आने वाला है. तो काफी सारे comments आ रहे थे कि ऐसा क्या है next month, मतलब ये September का month. तो it's because it's my birthday month. Yes, I'm gonna start the birthday series इस video से. First of September से लेकर के मेरे birthday तक, और मेरा birthday है 16th of September को. तो मैं 1st September से लेकर 16th of September तक regular नहीं अल्टरनेटिव डेज पे वीडियोस डालती रहूंगी, सो दैट आप भी मेरे साथ मेरे बर्थडे मंथ में, बर्थडे सेलिब्रेशन में जुड़े रहो मेरे साथ. प्लस मैं गिव अवे भी अनाउंस करने वाली हूँ इसी मंथ में, मेरे बर्थडे मंथ में, जिसमें 2 विनर्स होंगे. बिकॉज मुझे काफ़ी सारा गिफ्ट मिलने वाला है मेरे बर्थडे पे, तो आई थॉट कि मैं भी आप लोगों में से किसी को, 2 लोगों को ज़्यादा नहीं बट 2 लोगों को कुछ दूँ. और वही प्रोडक्ट्स मैं गिव अवे में रखूँगी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगता है मेरे हॉल वीडियो में से. और काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि दी ये मुझे चाहिए, या मैं दिल्ली में नहीं रहती हूँ बट मुझे चाहिए, और मुझे भी वो प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है. सो आई थॉट कि उन्हीं का मिक्सअप करके मैं गिव अवे रखूँ. तो 2 विनर्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करना, और वो जानना है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो स्टे ट्यून, मैं वीडियो में कभी भी बता दूँगी. सो गाइज, एज यू ऑल ऑलरेडी नो बाई द टाइटल दैट दिस इज गोना बी अ सरोजी नगर हॉल वीडियो, और इसमें मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, प्लस इधर उधर के प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं जब मैं सरोजी गई थी इस बारी अगस्त में. प्लस मुझे लगा कि मैं अपने बर्थडे मंथ की सबसे स्टार्टिंग सीरीज में सबसे पहली वीडियो सरोजी नगर की रखती हूँ, बिकॉज यू गाइज नो कि मुझे सरोजी नगर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई थॉट कि मैं सबसे पहले स्टार्ट ही सरोजी नगर से करती हूँ. तो आज की वीडियो होने वाली है सरोजी नगर हॉल वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बिकॉज इट्स माई बर्थडे मंथ सीरीज, और इसीलिए मैंने अपना बैकग्राउंड पूरी तरीके से चेंज कर लिया है, और आई एम इन लव विद दिस. बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, प्लस बोहो और सब चीज़ का मिक्सअप है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया. और अगर आप लोगों को भी पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपको ये बैकग्राउंड कैसा लगा. प्लस जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अगर आपको उसका जानना है कि मैंने कहाँ से परचेजिंग की है, तो मैं उसका भी हॉल ज़रूर बनाऊँगी. प्लस इतने सारे प्रोडक्ट्स ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, तो उसको भी मेंशन करूँगी. मैं प्रॉपरली थोड़े टाइम का वेट कर रही हूँ कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने का, उसके बाद मैं फुल फ्लेज्ड एक हॉल वीडियो बनाऊंगी. सो गाइस, दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने इस बार सरोजी नगर से परचेज किया. लेट दिस वन, और ये बास्केट, ये मैंने बंजारा मार्केट से ये वाला ठेला परचेज किया था. इफ यू रिमेम्बर, मैंने बंजारा हॉल किया था जिसमें मैंने इसके साथ काफी सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए थे, तो ये मैंने वहां से परचेज किया था. प्लस जो ये बास्केट है, ये भी मैंने दूसरी जगह से परचेज किया है जिसका हॉल आने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है, प्लस ये जो बॉक्स है, ये मैंने सरोजी नगर से इस बार ही परचेज किया है. सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द मेकअप सेक्शन जो कि मैंने इस बार सरोजी नगर से परचेज किया है. सो मैंने ये सारी चीजें वहां से पिक की हैं, वहां के मेकअप स्टॉल्स पे से, जहां पे जिसमें 3 आई शेडो पैलेट्स मैंने पिक किया है, प्लस एक ये आई लैशेज फेक लैशेज, और 2 आई लाइनर है, स्केच लाइनर, ये ब्लैक है, प्लस ये थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर काइंड ऑफ लाइनर है जिसका अभी मैं स्वच्छ दिखाऊंगी. सो दीज आर द आई शेडो पैलेट, जिसमें से सबसे पहला वाला ये है, बड़ा वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है. ऐसा ही मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया था, अगर आप लोगों ने मेरी सरोजी नगर की हॉल प्लस ट्राई ऑन हॉल देखा होगा, तो उसमें मैंने उसको यूज़ किया. काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन उसमें रहती है, प्लस इतना ज़्यादा सुंदर कलर कॉम्बिनेशन था उसमें, और उसमें काफ़ी सारे ब्राइट कलर्स थे. तो इस बारी मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क शेड्स चूज़ किए हैं, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ब्लैक और सी ग्रीन, मरून, ब्राउन, ये सारे शेड चूज़ किए हैं, सो दैट मैं थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट कर पाऊँ इस बारी. सो दिस इज़ द शेडो पैलेट्स लुक लाइक, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर्स इसमें अवेलेबल हैं. एज यू कैन सी कितना मतलब कितने अच्छे तरीके से कलर कॉम्बिनेशन हुआ है. यहाँ पे सारे ब्लैक और डार्क कलर्स हैं, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश और मरून काइंड ऑफ कलर है, थोड़े इसमें शिमरी शेड्स भी हैं, और प्लस मैटेड शेड भी हैं.
आई नो कि इनका पिगमेंटेशन अच्छा ही होगा क्योंकि मैंने ऐसे फार कलर्स का ही आई शेडो पैलेट चूज किया था पिछली बारी भी। और अगर आपको इसका स्वाचेस देखना है तो मैं जरूर दूंगी, मैं इसका वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे डाल दूंगी और इफ यू वॉन्ट मैं उसको हाईलाइट पे भी सेव कर दूंगी सो दैट आप देख सको। तो अगर आपको इसका स्वाचेस देखना है तो अभी ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा इसका स्वाचेस। और स्वाचेस देखने के बाद मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना, दिस इज माई हैंडल इंस्टाग्राम का यूनिकॉर्न डिवाइन और मेरे YouTube का नाम है ये यूनिकॉर्न डिवाइन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के सब्सक्राइब कर दो, मेरा बर्थडे मंथ सीरीज चल रहा है, अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस 85% लोग जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग देखते हैं, तो ऐसा क्यों करते हो, जाके सब्सक्राइब कर दो ना। और मेरा बर्थडे मंथ चल रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो गाइस इस आई शेडो पैलेट में 21 आई शेडो कलर्स हैं, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पैलेट। उसके बाद आई पिक दीज ब्यूटीज जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है, प्लस इसमें 16 आई शेडो कलर्स हैं एक पैलेट में, प्लस इसमें भी 16 आई शेडो पैलेट है। दिस इज फ्रॉम HR और ये है किस प्रिटी से, और ये मैंने दोनों डिफरेंट डिफरेंट चूज किया। ये बहुत ही ब्लिंगी और फेस्टिवल काइंड ऑफ कलर है, कलरफुल पूरा, और ये थोड़ा वार्मर और न्यूट्रल शेड्स में आता है। और इनका मैं स्वाचेस नहीं दे पाऊंगी बिकॉज आई एम सेविंग दीज फॉर समथिंग स्पेशल, अगर पता चल गया होगा तो कमेंट सेक्शन में मत बताना। तो दीज आर द पैलेट्स और इनका मैं खोल के दिखा देती हूँ कि हाउ इट्स लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। और इनमें जो कलर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जो पैलेट है HR का काफ़ी ज़्यादा कलर्स से भरा हुआ है, पूरा कलरफुल रेनबो कलर्स जैसे ब्लू, पिंक, पर्पल, ग्रीन, गोल्डन, बहुत सारे कलर्स हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पैलेट। और जो ये दूसरा वाला ये थोड़ा सा वार्मर उसमें जाता है सेक्शन में, तो इसका जो पैलेट है वो ऐसा है, इसमें थोड़े से वार्म शेड्स हैं और थोड़े से न्यूट्रल शेड्स हैं, शिमरी शेड्स भी हैं प्लस मैटर शेड्स हैं दोनों में। सो दीज आर द ब्यूटिफुल पैलेट्स। सो गाइज दीज आर द आई शेडो पैलेट्स 3। प्लस इसके बाद हम लोग बात करते हैं आई लाइनर्स की, जिसमें से मैंने एक ये ग्लिटर वाला चूज़ किया और एक ये ब्लैक आई लाइनर चूज किया स्केच वाला, इसको अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। सो दिस इज द आई लाइनर लुक लाइक, ये स्केच वाला आई लाइनर है, इसमें लिखा हुआ है वाटर प्रूफ आई लाइनर। तो इसका मैं स्वाच तो यहाँ पे दिखा दूंगी, बट इसको जो मैं टेस्ट करने वाली हूँ कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं, इसको लगा करके उसके बाद मैं इस पर पानी डाल के देखूंगी कि निकल रहा है कि नहीं, और वो वीडियो मैं डालूंगी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे और उसको हाईलाइट भी कर दूंगी सो दैट आपको स्वाचेस के साथ साथ ये भी पता चल जाए कि ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसका मैं यहाँ पे स्वाचेस दिखा देती हूँ। सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे इतना सा आता है, इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा खासा है, जेट ब्लैक लग रहा है। और ये स्केच वाले जो आईलाइनर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से लग जाते हैं। अगर आप बिगनर हो और आपको आईलाइनर लगाने में डर लगता है या हाथ ऐसे से कांपता है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था मेकअप तो मुझे सबसे ज़्यादा डर आईलाइनर और मस्कारा लगाने में आता था, बहुत ज़्यादा हाथ कांपता था और कभी भी दोनों साइड का इक्वल होता ही नहीं था, कभी एक साइड का अच्छा बन जाए तो दूसरे साइड का खराब होना बनता ही था। तो ये जो स्केच वाले लाइनर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, आप एक स्वाच में भी लगा सकते हो। तो जब भी आप बिगनर्स हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो मेकअप, तो ऐसे स्केच वाले लाइनर्स जरूर यूज़ करना, आपको ज़्यादा यूजफुल होगा प्लस आप अच्छे से लगा पाओगे। सो ये है ब्लैक वाला आई लाइनर प्लस अब ये है ग्लिटर वाला, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है, ये बहुत हल्का सा शिमरी है, अगर कैमरा कैच कर रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा हल्का सा है, तो मुझे लगा था थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको एज आई लाइनर मैं लगा सकती हूँ, बट ठीक है, मैं अगर मैं नो मेकअप लुक कर रही हूँ, हल्का सा शिमर चाहिए तो उसको आईलिड पे लगा सकती हूँ, उसके लिए यूज़फुल है। उसके बाद मैंने चूज़ किया है ये वाला फेक लैशेस, इससे पहले मैंने सरोजिनी नगर से 2-3 फेक लैशेस मतलब लिया था, चूज़ किया था, वो ब्लैक वाली पैकेजिंग में था, रेड चेरी का, ये भी रेड चेरी का ही है बट इसकी पैकेजिंग डिफरेंट है, थोड़ी सी गोल्ड और ब्लैक में है। इसको मैं यूज़ करूँगी अपने अपकमिंग मेकअप वीडियोज़ में, तो अगर आपको देखना है कि ये कैसा वर्क करता है तो
स्टे ट्यून्ड, मेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर बताऊँगी कि कैसा ये फील होता है। सो मैं भूल गई थी इनके प्राइस बताना, सो दिस इज़ फॉर 200 रुपीज़ ओनली, और उसके बाद ये सारे 50 रुपीज़ के थे, 50 का ये, 50 का ये, 50 का ये, तो ये था इनका प्राइस रेंज। तो गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द ज्वेलरी सेक्शन, और ज्वेलरीज में मैंने सिर्फ इस बार इयररिंग्स पिक किया, वो भी इतने सारे। मैं जब भी सरोजिनी नगर जाती हूँ मैं सोच के जाती हूँ कि मुझे ज़्यादा नहीं लेना बिकॉज आई हैव अ लॉट, बट मैं जब भी जाती हूँ मुझे इतना ज़्यादा लालच आ जाता है कि मैं जाके परचेजिंग करने लगती हूँ। स्पेशली वहाँ के जो जंग ज्वेलरी वाले सेक्शन है वहाँ से मैंने हर बारी कुछ ना कुछ ज़रूर पिक किया है। इस बारी भी मैंने वहाँ से ये वाले झुमके परचेज किए, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। एज यू कैन सी कितना ज़्यादा सुंदर सा ये बड़ा सा ये झुमका है नीचे, और प्लस यहाँ पे चांद बाली काइंड ऑफ डिज़ाइन है, और बहुत ही अच्छा सा ये लटकन भी दिया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा लगेगा इंडियन वेयर में, या इंडो वेस्टर्न में लुक क्रिएट करूंगी तो उसमें भी। ये मुझे पड़ा था 150 रुपीज़ का। गाइस नेक्स्ट अप मुझे सरोजिनी नगर में इस बार इतने ज़्यादा ट्रेंडी इयररिंग्स देखने को मिले कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन स्टोर्स और इंस्टाग्राम स्टोर्स में आपको ऐसे पॉपअप करके आएंगे बट उनका प्राइस इतना हाई होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो रहने ही दो। बट इस बार जब मैं सरोजिनी गई तो मुझे इतने ज़्यादा कलेक्शन देखने को मिले ये सारे ट्रेंडी ज्वेलरीज के, ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा प्यारे। इनफैक्ट मैंने ये वेयर किया हुआ है, लिप्स है रेड लिप्स और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, प्लस यहाँ पे वाइट वाइट टीथ दिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पीस है। ऐसे जो पीसेज हैं ये अगर आप कोई भी प्लेन ड्रेस या टॉप पहन रहे हो उसमें पहन लो, अलग से पॉप आउट होगा। सो इनका जो प्राइस है 150 रुपीज़ ईच है, और वो भी फिक्स प्राइस है, कोई बार्गेन वो नहीं करते क्योंकि ये सारे ट्रेंडी पीसेज हैं। तो ये हो गया पहला पीस जो कि रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, दूसरा ये पाइनएप्पल बहुत ही सुंदर सा येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, एज यू कैन सी देख के मन करा खा लूँ। सो ये भी मैं बहुत जल्दी वेयर करने वाली हूँ, प्लस ये स्टेटमेंट पीस, ओ माई गॉड, इसमें जो लड़की बनी है बहुत ही सेसी काइंड ऑफ लुक दे रही है, और ये पिंक एंड पीच ऑफ काइंड ऑफ कलर में है। नेक्स्ट अप दिस इज द नेक्स्ट पीस जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है, बट मुझे मैच बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैंने कहा कि इयररिंग्स तो ले ही सकती हूँ। लास्ट वन इज दिस जो कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट पीस लग रहा है, बर्गर है, बहुत ही सुंदर सा। अगर आप कोई भी बोरिंग ड्रेस पहन रहे हो, टॉप पहन रहे हो ढीला ढाला, बस आपको ये इयररिंग्स स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनने की देर है, उसके बाद आप अलग से स्टैंड आउट करोगे। नेक्स्ट अप आई हैव दीज हुप्स, में मैंने गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन चूज किया है। ये बड़े वाले दोनों, एक सिल्वर है और एक गोल्डन है, और दूसरा जो है ये भी दोनों सेम ही कलर है, मतलब सिल्वर और गोल्डन। इसका जो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, बीच में थोड़े से नग लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। इनको मैं खोल के नहीं दिखाने वाली हूँ बिकॉज आई एम सेविंग दीज फॉर समथिंग स्पेशल। सो गाइज अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, प्लस जो उसके पॉइंटर्स हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो वो सब मैं मेंशन कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैं ये गिव अवे इसलिए अनाउंस कर रही हूँ क्योंकि मेरा ये बर्थडे मंथ चल रहा है। मैंने इस वीडियो से स्टार्ट किया अपना बर्थडे सीरीज जो कि 16th of September तक चलेगा, प्लस उसके बाद भी वीडियोज़ आती रहेंगी, और ये गिव अवे 1st of September से लेकर के लास्ट 30th September तक चलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मैं डिसाइड करूंगी कि कौन गिव अवे विनर्स हैं और मैं अनाउंस करूंगी। टोटल मैं 2 विनर्स अनाउंस करने वाली हूं, तो आपके पास पूरा एक मंथ है इसमें पार्टिसिपेट करने का, और अगर आप चाहो तो आप रिकमेंड भी कर सकते हो मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को कमेंट करना है, और ये पोस्ट है इंस्टाग्राम का गिव अवे वाला पोस्ट, उसमें जाकर के आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, प्लस आपको मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को फॉलो करना है। और गाइज नेक्स्ट अप मैं जितने भी वीडियोस डालूंगी इस बर्थडे मंथ सीरीज में उसमें मैं क्या करूंगी, हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगी, और आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की वीडियो में मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा भी आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, इनफैक्ट मैं ज़्यादातर 99% लोगों को रिप्लाई करती हूँ। सो गाइस दीज आर द रूल्स, प्लस मैं फिर से एक बार ही बता देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म में समराइज़ कर देती हूँ कि क्या क्या करना है। और गाइस ध्यान देना क्योंकि पिछली बारी क्या हो गया था कि बहुत लोगों ने पूरी
प्रोसेस किया था, बट लास्ट में कुछ एकाध चीज़ें रह गई थी जिसकी वजह से वो विनर बंदे बंदे रह गए थे, और फिर मैं नहीं बना सकती यार, जिन्होंने पूरा मतलब पूरे प्रोसेस फॉलो किए थे तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। सो इसीलिए मैं फिर से बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। पहला, आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है और Instagram पे सब्सक्राइब करना है, मुझे फॉलो करना है, प्लस ये वाली जो वीडियोस हैं, प्लस जो जितनी भी मेरी बर्थडे सीरीज़ वाली वीडियोस हैं, सब में आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उनका। और मेरा जो Instagram का पोस्ट है गिव अवे वाला, उसमें जाकर के आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, एंट्री करनी है, प्लस आप अगर किसी को रिकमेंड करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में तो उनको रिकमेंड भी कर सकते हो, और वो भी आकर के इसमें गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइस, दीज आर द पॉइंट्स जो कि मैंने अभी मेंशन किया है, उसको ध्यान रखना, और मेरी जितनी भी बर्थडे सीरीज की वीडियोस हैं उनमें आप एक्टिव रहना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे जो मंथ है उसका सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ भी करूँ। हम लोग सिर्फ इसी के थ्रू बात कर सकते हैं, इसी के थ्रू कनेक्ट रह सकते हैं, तो आप जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो उनको पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेरा बर्थडे सीरीज चल रहा है तो उसमें कमेंट करना, मैं भी उसका रिप्लाई करूँगी और हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। उससे आप मुझे विश भी कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूनिकॉर्न फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हो। सो नेक्स्ट अप, आई हैव दीज बकेट हैट्स फ्रॉम सरोजी नगर। मुझे बकेट हैट्स काफ़ी टाइम से चाहिए था, बहुत टाइम से मुझे मन कर रहा था कि मैं बकेट हैट्स परचेज करूँ, पहनूँ, तो मुझे सरोजी नगर में इस बार दिख गया तो मैंने ले लिया। सेम लिया है बट कलर चेंज है, पैटर्न दोनों का सेम है, लाइक ये ब्लैक कलर में है और ये क्रीम काइंड ऑफ कलर है इसका, थोड़ा सा ब्राउनिश क्रीम है, और दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मैं अभी नहीं पहन सकती हूँ बट मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी जिसमें मैंने ये बकेट हैट ब्लैक वाला पहना हुआ था, मुझे काफ़ी ज़्यादा फंकी लुक लग रहा था। इसमें मैंने डैमेज जीन्स पहनी हुई थी प्लस ब्लैक कलर की टी शर्ट, लूज टी शर्ट पहनी थी और उस पर मैंने इसको स्टाइल किया था, काफ़ी ज़्यादा फंकी लग रहा था। तो ये बकेट हैट्स मुझे पड़े थे 125 ईच, मतलब ये 125 रुपीज़ का पड़ा था और ये 125 रुपीज़ का, बहुत अच्छे डील में। गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मेरा अगर मुझसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट, बट ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है इस बारी मैंने इसको परचेज किया है फॉर माई कज़न सिस्टर। सो दिस इज़ द फ्रोजन वाली डॉल, हाँ फ्रोजन की जगह यहाँ पे फैशन लिखा है। तो सरोजी नगर में ये मुझे पड़ा था 200 और 220 ऐसे ही का मुझे पड़ा था। इनफैक्ट मुझे भी डॉल्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे कलेक्शन थे। तो यार गाइस, मैंने इतने ही प्रोडक्ट सरोजी नगर से परचेज किए थे, और सरोजी नगर का आपको अगर एक्सप्लोर देखना है कि आपको वहाँ पे कैसे कलेक्शन मिल जाएंगे और मेकअप का क्या सीन चल रहा है, तो वो मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं अपने चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। प्लस यहाँ से मैं अपना बर्थडे सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप हर एक वीडियो में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक गिव अवे क्वेश्चन भी ऐड ऑन करने वाली हूँ जिसका आपको आंसर देना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट आप उसमें रेगुलर पार्टिसिपेंट बन के रहो। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना, प्लस मुझे बर्थडे सीरीज में अगर आपको कुछ गिफ्ट देना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको लाइक और कमेंट भी कर दिया करो कि क्या पसंद है, और अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो बिंदास होकर के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दिया करो कि आपको क्या नहीं पसंद आ रहा है, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। नाउ इट्स टाइम फॉर द यूनिकॉर्न प्रोडक्ट ऑफ द डे, जो है दीज इयररिंग्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी प्लस इतने ज़्यादा फंकी लगे, प्लस एक ये वाला भी है, सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। ये है मेरा यूनिकॉर्न प्रोडक्ट ऑफ द डे, और आपको इन पूरे हॉल में से कौन सा प्रोडक्ट यूनिकॉर्न प्रोडक्ट ऑफ द डे लगा वो भी आप नीचे मेंशन कर देना। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।